सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों अक्सर बहुत बार जब हम वीडियोस को रिकॉर्ड करते हैं तो भैया हमारा हाथ हिल जाता है, बाद में जो फुटेज है वो आती है शेकी। तो आज मेरे पास में दोस्तों है ये प्रोडक्ट जो कि है ये ज़ियोन का क्रेन 2 गिम्बल। तो करते हैं इसके अनबॉक्सिंग, देखते हैं भैया क्या है ये प्रोडक्ट, कैसे ये काम करता है और कैसे मदद करता है कि जो आपकी वीडियो है वो बन जाए बिल्कुल पूरी तरीके से स्मूथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये है क्रेन 2 का बड़ा सा बॉक्स, काफ़ी बड़ा और काफ़ी हैवी है, जहाँ पे आपको पीछे की तरफ कुछ और डिटेल्स मिलती हैं इसी प्रोडक्ट के बारे में कि यहाँ पे सपोर्ट है फॉलो फोकस का, ओलेड स्क्रीन है, क्विक कंट्रोल्स हैं, जो मैक्सिमम पेलोड है वो है 3.2 किलोग्राम्स का और बाकी डिटेल्स हैं कुछ बॉक्स कंटेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे भैया जल्दी से करते हैं इसकी सील को ब्रेक और देखते हैं कि आखिर कैसा है ये प्रोडक्ट। हाँ लगता है कि ओके, बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स है। सबसे पहले तो ये शायद शोल्डर स्ट्रैप होगा और उसके अलावा ये है मेन केस इस गिम्बल का, बाकी कुछ नहीं है बॉक्स में। तो यहाँ पे भैया इसके अंदर सबसे पहले है ये, यार इसके अंदर भी आती है क्या क्विक स्टार्ट गाइड? खैर वो तो हर एक प्रोडक्ट में आती है। तो ये दोस्तों यूज़र गाइड जो कि बहुत बड़ी है और काफ़ी डिटेल्ड है मेरे ख्याल से, ताकि आप अच्छे से इस गिम्बल को यूज़ कर पाएँ। उसके अलावा यहाँ पे जो नीचे कैरिंग केस है ये है कुछ ऐसा इस गिम्बल का, जो कि काफ़ी बड़ा और अच्छी क्वालिटी का है, एटलीस्ट आप इसको अच्छे से कैरी तो कर पाएंगे। और इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो अंदर मुझे रखा मिल जाएगा मेरा गिम्बल, जो कि कुछ ऐसा है। और ये है भैया बड़ा सा गिम्बल, जहाँ पे आपसे अगर बात करता हूँ कंटेंट्स की, तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक माउंटिंग स्क्रू है। माउंटिंग स्क्रू के अलावा भैया यहाँ पे तीन बैटरीज हैं, तीन बैटरीज को चार्ज करने के लिए ये साथ में चार्जर है। और इसको खा मत लेना, ये सिलिका जेल है, मज़े आते हैं इसको देखने में। उसके अलावा नीचे ये एक ट्राईपॉड के लिए एक्स्ट्रा अटैचमेंट है और ये मेटल का बना है यार, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, काफ़ी हैवी लगता है, काफ़ी स्टेबल रहेगा। और बाकी तो ये पूरा का पूरा गिम्बल है, जिसको अगर मैं आपको एक बेसिक निकाल के दिखाऊं तो वो दिखने में कुछ ऐसा है। अब ये आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या है और कैसे काम करता है, तो जल्दी से मैं करता हूँ बैलेंस, कैमरा मेरा अटैच करता हूँ, उसके बाद देखते हैं कि आखिर ये किस काम आता है और ये कैसे काम करता है। सामने यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स हैं जो आप देखते हैं कि एक ओलेड स्क्रीन है, कुछ और कैमरा कंट्रोल्स हैं, ये साइड में फॉलो फोकस के लिए है आपके लिए डायल, जहाँ पे आप फोकस को कर सकते हैं एडजस्ट, लेकिन ये भी कुछ सिलेक्टेड कैमराज में काम करता है, आई थिंक कैनन में काम करता है। साइड में यहाँ पे दो आपको और मिलते हैं पोर्ट्स जहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं, एक शायद ये पावर पॉइंट होगा, जो दूसरा है वो है एक माइक्रो यूएसबी केबल के लिए, तो ये एक पॉइंट है। उसके अलावा साथ में ये मेरे को एक चीज़ दिख रही है, ये एक छोटे से बैग में क्या है, तो ओके इसमें है केबल्स जो काम में आएंगे अलग अलग। तो जल्दी से करता हूँ मैं सेट और बाद में देखते हैं कि आखिर जो कैमरा है वो इसमें हम कैसे यूज़ करते हैं। जहाँ तक बात करता हूँ बैटरीज की, तो बैटरीज इंसर्ट करने के लिए ये जो कंपार्टमेंट है इसमें आप नीचे बैटरीज को लगा पाएंगे, तीनों बैटरीज को, एक इधर और एक पीछे। और इसी कंपार्टमेंट के नीचे ये जो स्क्रू है, इस स्क्रू में आप अटैच करेंगे इस ट्राइपॉड अटैचमेंट को। दोस्तों यहाँ पे मैंने कैमरा को कम्प्लीटली सेट कर लिया है, बैलेंस कर लिया है गिम्बल पे, और फिलहाल गिम्बल ऑफ है लेकिन फिर भी कैमरा बिल्कुल स्टेबलाइज्ड है, वो क्योंकि मैं बैलेंस कर चुका हूँ इसलिए अपनी जगह होल्ड कर रहा है, और गिम्बल जो है वो पूरा कैमरा भैया होल्ड कर पा रहा है अपने ट्राईपॉड के थ्रू, बिकॉज यहाँ पे कैमरा इनफैक्ट ये वाला काफ़ी हैवी है इस लेंस के साथ में। अगर मैं इसको करता हूँ ऑन तो यहाँ पे ये आएगा अपनी स्टैंडर्ड पोजिशन में, और ऑन करने के बाद में ये घूम के हो जाएगा सेट अभी, लेकिन मैं इसको मूव कर सकता हूँ जैसे मैं चाहूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे मोड चेंज करता हूँ और उसके बाद में मैं अगर राइट लेफ्ट मूव करता हूँ तो मैं इसको बड़े आराम से राइट लेफ्ट अप डाउन काफ़ी स्मूथ जो है वो पैंस के लिए मूव कर सकता हूँ। लेकिन अभी इनफैक्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली ये जो गिम्बल है ये किस तरीके से काम आ सकता है। फिलहाल तो ये इसमें आराम से हम 360 पैन कर सकते हैं, इसको हम ऊपर लेकर आ सकते हैं, नीचे लेकर आ सकते हैं, तो ये तो है इसकी मेन चीज़ें। लेकिन अभी जो गिम्बल है वो एग्जैक्टली कैसे काम करता है वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी आने वाली वीडियो में। दोस्तों ये मेरे पास में एक छोटा गिम्बल है अपने फोन के लिए, और गिम्बल बेसिकली करता ये है कि आपको 3-axis स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर आप कुछ भी वीडियो वगैरह शूट कर रहे हैं तो अगर आप चल फिर रहे हैं तो ऐसे में जो आपका हाथ है वो अगर हिलता है उसके बावजूद भी यहाँ पर मिलती है स्टेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको ऑन करके, तो यहाँ पर अगर ऑन
तो उसके बाद में ये अपने आप स्टेबल हो जाएगा, और मैं अगर ऊपर नीचे घुमा रहा हूँ, मैं अगर कुछ भी कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कैमरा जो है वो एकदम बहुत ही कम से कम मूवमेंट करेगा। लेकिन ये बहुत ही छोटा है, ये सिर्फ एक फोन के लिए है। अगर आपसे बात करता हूँ बड़े गिम्बल की, तो भैया ये संभाल नहीं पाएगा DSLR को, लेकिन ये है DSLR के लिए बड़े वाला गिम्बल। अगर मैं इसको भी ऑन करता हूँ तो आप देखेंगे इसका मैजिक कि मैंने इसको किया ऑन और ये आ गया अपनी पोजिशन में। अभी मैं अगर नीचे ऊपर इसको कुछ भी अपने हाथ को हिलाता हूं तो जो कैमरा है वो नहीं हिल रहा है, मेरा हाथ पीछे से हिल रहा है, लेकिन जो कैमरा है वो स्टेबलाइज्ड है। ऐसे में अगर मैं चाहूं तो मैं कैमरा को मूव कर सकता हूं ऊपर या फिर नीचे, तो ये बिल्कुल एकदम स्मूथ पैंस होते हैं। और वैसे अगर मैं इसको हिला लूंगा, मैं अगर इसको यूं भी करता हूं तो भी कैमरा मूव नहीं हो रहा है। तो अगर आपके हाथ कैसे भी हैं, चल रहे हैं, तो भी कैमरा आपका स्टेबलाइज रहेगा। तो ये है भैया ये गिम्बल। इसमें अलग अलग मोड्स हैं बहुत सारे, जहां पे आप फॉलो करवा सकते हैं, आप इसको लॉक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये अभी फॉलो मोड है, तो मैं अगर राइट जा रहा हूं तो राइट जा रहा है, लेफ्ट पे लेफ्ट, नीचे में नीचे और ऊपर में ऊपर, तो ये फॉलो कर रहा है, लेकिन फॉलो कर रहा है बिल्कुल स्मूथ तरीके से। इसके अलावा यहाँ पे मैं इसको लॉक मोड में जा सकता हूँ, जहां पे अगर ये लॉक हो जाता है, अभी ये लॉक मोड में आ गया है, तो अभी मैं इसको चाहे कितना भी हिलाऊं, जो कैमरा का एंगल है वो चेंज नहीं हो रहा है। मैं अगर नीचे से भी ऊपर नीचे बिल्कुल यू भी कर दूंगा तो भी कैमरा का जो एंगल है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो नीचे से अगर मेरा हाथ भी हिल रहा है तो कैमरा का एंगल चेंज हो रहा है। तो ये दोस्तों गिम्बल एक काफी हैवी है, ये बेसिकली बहुत ही हैवी ड्यूटी गिम्बल है, और ये बड़े कैमराज के लिए है। बेसिकली बड़े वाले कैमराज 5D हो चाहे 8D वगैरह हो, वो आप सोच सकते हैं बड़े लेंस के साथ में। जो प्राइस है वो करीब 40-50 हज़ार रुपए के आसपास है, कुछ $600-700 के आसपास। तो प्राइस ज्यादा है, लेकिन डेफिनेटली एक इफेक्टिव टूल है अगर आपके पास में बड़े कैमरा आज है। और अगर आपको वीडियो शूट करनी है, फॉर एग्जांपल ये देखो मैं पूरा हिला रहा हूं, लेकिन ये कैमरा अपनी पोजीशन से नहीं हिलेगा बिकॉज मैंने इसको लॉक किया हुआ है। तो बस यही है भैया गिम्बल, और काफी इंटरेस्टिंग चीज है अगर आपके पास में बड़े कैमरास हैं उनसे शूट करने के लिए। बाकी छोटा गिम्बल जो आता है वो कुछ ऐसा आता है, अगर आपके पास मोबाइल फोन है उससे आप इसमें यूज कर सकते हैं। दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, दिन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको थोड़ा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।